बोल्ड सीन मूवीज में या सीरियल्स में वेब सीरीज में। मुझे लगता है एज एन एक्टर ओपन होना जरूरी है, बट आप या तो उस लेवल पे बन जाओ। सलमान खान आज बोलता है मैं किस नहीं करूँगा। सो लॉन्ग प्रोसेस, हो सकता है आपको एक दिन में कॉल आ जाए, हो सकता है आपको सालों साल ना आए। मिडिल क्लास फैमिलीज जो लड़की सबसे मैं बोल्ड सीन मूवीज में या सीरियल्स में वेब सीरीज में ज़्यादातर ऐसा होता है, तो उसमें कहाँ तक इंसान कंप्रोमाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे इस लाइन में काम मिलता है तो मैं ये कहूँगी कि मुझे शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनना है, तो ये होगा बैलेंस या नहीं होगा? टू बी ऑनेस्ट, देखो बोल्ड सीन्स ये सब तो बहुत आते हैं, ठीक है, ये मुझे भी आया एंड आई वॉज़ वेरी क्लियर। पहली बात तो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो मैं क्लियर थी कि मुझे बोल्ड सीन्स नहीं करने हैं, और कल को अगर मुझे करना है तो फिर मैं ऐसी फिल्म में करूँगी ना जहाँ से मेरा नाम हो। मैं धर्मा की फिल्म में बोल्ड सीन करूँगी तो मुझे पता है वो ऐसे दिखाएंगे कि आप बोलोगे वाह यार कितने क्यूट लग रहे हैं, राइट। अभी मैं गली बॉय में स्मूथ सीन था, आपको याद नहीं होगा, पर वही आप गंदे गंदे ऐप्स जो आ रखे हैं आपको उसके याद रहेंगे, बिकॉज वो पिक्चराइज ऐसा किया जाता है, राइट। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर ओपन होना ज़रूरी है, बट आपको कहाँ पे ओपन होना है, क्योंकि धर्मा यशराज वो जो फिल्में वेब सीरीज़ जो भी अच्छे लेवल पे बनती हैं वो फिर ऐसे शूट होता है एज अ कैरेक्टर, नॉट एज अ सीन। मतलब और वही जैसे उल्लू ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं छोटे छोटे से, वहाँ पे ऑल्ट बालाजी, तो वहाँ पे इस चीज़ को फोकस करके दिखाते हैं, राइट। तो वो और आप कह रहे हो शॉर्ट ड्रेसेस का, तो ये कहूँगी कि देखो इस इंडस्ट्री में आपके अकॉर्डिंग वो ढलना मुश्किल है उनका। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि लड़की बीच पे जा रही है तो बीच पे वो आपको साड़ी पहना के नहीं भेज सकते, राइट। सो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बहुत लड़कियां नहीं कंफर्टेबल होती है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप टीवी करो, क्योंकि टीवी में ये सब चीज़ें नहीं हैं। टीवी में आप साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, दैट्स ऑल। उसमें आप जीन्स पहनते हो, बट आपको उसमें भी ड्रेसेस पहनते हैं, ऐसा नहीं है वन पीस। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो टीवी इज़ गुड फॉर देम, जिनको ये सीन्स बिल्कुल नहीं करने हैं। पर मैं इतना ही कहूँगी कि अगर बोल सीन्स के लिए अगर आप हाँ बोलते हो किसी को भी, आप देखो कि किस प्रोडक्शन का कर रहे हो, किस एक्टर्स के साथ है, क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। हम एक्चुअली जब न्यू होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। आई अग्री, आई टोटली अग्री, बट स्टार्टिंग में बेटर है से नो। लाइक मैं स्टार्टिंग में नहीं थी जब, तो मैं ना बोलती आई। आज मुझे पता है क्या है, मैं पहले तो एकदम क्लियर थी मुझे कभी किसिंग सीन नहीं करना। आज मैं सोचती हूँ कि हाँ कल को मुझे धर्मा की फिल्म मिलेगी, यशराज की फिल्म मिलेगी, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम है। स्टार्टिंग में नहीं थी तो मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, कोई मुझे गलत जगह पे ऐसे शूट तो नहीं करवा देगा, तो वो डर होता है। तो इट्स बेटर है से नो, या फिर आप जा रहे हो नोन प्रोडक्शन जो आपको पता है, आपको एनीवेज आपको प्रोडक्शन हाउसेस के नाम पता होने चाहिए। फिल्म जैसे फिल्म देखते हो ना आप लोग, सभी फिल्म देखते होगे, वेब सीरीज़ देखते हो। ये स्टार्टिंग में मैं नहीं देखती थी, पर अब मैं नोटिस करती हूँ किसने किस कौन सा डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर्स के नाम पता होना चाहिए। कल को आपको दिख जाए तो पता तो होगी ये कौन सा डायरेक्टर है, राइट। लास्ट में आता है कास्टिंग डायरेक्टर्स, किसने कास्टिंग की है, हमेशा वो देखो। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है ना, आप हर फिल्म के एक तो नॉलेज बढ़ती है आपकी, कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है, कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, फिर आपके प्रोडक्शन हाउसेस कौन से हैं, स्टूडियोज़ कितने सारे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टीवी सीरियल में भी सेम होता है। सब ये मूवीज में मतलब एडजस्ट नहीं होता है, अगर एक एक्टर मना कर रहे हैं कि वो ऐसे नहीं कर सकता है, नहीं तो वो एडजस्ट नहीं करेंगे, ये नॉट एड को करना होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो फिर आप या तो उस लेवल पे बन जाओ। सलमान खान आज बोलता है मैं किस नहीं करूँगा, तो वो सलमान खान बन चुका है, राइट। उस लेवल पे आप बन जाओ जहाँ पे आप ना बोलो तो लोग कहें कि हाँ यार मतलब ले लेते हैं मैम को, नहीं तो हमारी फिल्म तो पिट जाएगी। या तो उस लेवल पे आ जाओ, स्टार्टिंग में यू कान से नो, आप नहीं करोगे कोई और रेडी है, राइट। सो बी फ्लेक्सिबल कुछ चीज़ों में, टीवी में ये सब नहीं होते, पर फिल्म में, पर वही कह रही हूँ कि आप क्या काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ ऑडिशंस दे रहे हो ये सब। और आजकल बहुत इजी है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे जाओ बहुत सारे कास्टिंग वाले तुम्हें मिलेंगे, उनके थ्रू एक ही प्रोफाइल खोलो, तुम 100 प्रोफाइल और आएंगे, उन सबको अपनी प्रोफाइल, उनको रैंडम मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैसेज करो कि मैं एक्टर, कैन आई सेंड यू माई प्रोफाइल फॉर द फ्यूचर वर्क, और मिलते हैं। सीरियल्स में काम करती हूँ, उसके बाद करना है मूवीज, तो मतलब क्या करना होता है उसके लिए? करना कुछ नहीं होता है, जैसे आपने टीवी कर लिया, ठीक है,
ठीक है आप बोर हो गए अभी टीवी नहीं करना, तो अब आप जो फिल्मों के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज नहीं कहूँगी, कास्टिंग एजेंसीज जो हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा हो गया, कास्टिंग बे हो गया, और भी बहुत सारे हैं, वहाँ जाके आपको इंट्रोडक्शन देने हैं. फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपको कॉल आता है आपके लुक के हिसाब से. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. हो सकता है आपको एक दिन में कॉल आ जाए, हो सकता है आपको सालों साल ना आए. लाइक कास्टिंग बे से मुझे 4 साल बाद कॉल आया, तो लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है. बट सबके टच में रहो, हर महीने उनको मैसेज करो या जाके मिल लो. मिल के भी लोगों को समझ आता है कि अच्छा हाँ, मतलब ये है, मैं इसको आगे किसी ऐसा तो नहीं जैसे हम सीरियल कर रहे हैं और साइन किया कि हम इतना टाइम इसमें काम करेंगे, उसके बाद हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते. नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. नहीं नहीं नहीं, टीवी में होता है. जिस मंथ पे भी आपने 1 ईयर का किया है या साल का किया है, मतलब 2 ईयर्स का किया, वॉट एवर, 6 महीने का, बट आप छोड़ सकते हो. ऐसा नहीं है, आप इन्फॉर्म करके आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं.